ये तो कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। किसी जमाने में गोरे ने मुझे एक बात बताई थी कि तुम्हारी कामयाबी इसमें है कि जब तुम रात को सोने लगो तो पूरे दिन को रिव्यू कर लो कि आज तुमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, कामयाब हो जाओगे। ये बात मुझे गोरे ने कही थी और बड़ी काम भी आई। मैं इस सिलसिले में एक ही अर्ज करता हूँ कि जब हम सोने के लिए लेटें तो हम जब से होश संभाला है उस वक्त से, उस सोने के टाइम तक की तमाम जिंदगी रोज़ रिव्यू कर लें कि कब कब मैं मुश्किल में था, मायूस हो गया, रब ने गैब से मदद कर दी, मेरा मसला हल हो गया, कब तक, कब कब मैं ये समझा कि मेरी ये ज़रूरत नहीं पूरी हो सकती, वसाइल नहीं है, रब ताला ने गैब से वसाइल पैदा कर दिए, मेरा काम हो गया, कब कब मैं ये समझा के मेरा ये काम बिल्कुल नहीं होगा, अजनबी शख्स ने मदद कर दी, मेरा काम हो गया। तो जब हम अल्लाह ताला की होश संभालने से लेके उस रात तक की इनायात को याद करते हैं और वो मकाम याद करते हैं जहां हम मायूस थे, तो फिर होगा क्या कि जब हम रोज़ ये ड्रिल में से गुजरेंगे तो हमारे दिल में शुक्रगुजारी के जज्बात पैदा होंगे और उस शुक्रगुजारी के जज्बात की अगला स्टेप जो होगा वो लाइकिंग का होगा। और लाइकिंग से अगला स्टेप पैदा हो जाएगा वो है इन्फैटुएशन का, कि रब के साथ एक इन्फैटुएशन आ जाएगी जिसको हम आम तौर पे गलत समझते हैं, उसको मोहब्बत का नाम देते हैं, वो इन्फैटुएशन होती है असल में। अगर ये काम जारी रखेंगे हम तो फिर इन्फैटुएशन से आगे मोहब्बत आ जाएगी और उसका अगला मकाम है इश्क। अगर रब से इश्क हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा, सीधा सा मामला है।